राम राम भाई सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं मैं सिर्फ सच का साथ देता हूं, सच्ची बातें करता हूं, जो कि कड़वी होती हैं, लोगों को कम पसंद आती हैं, लेकिन हकीकत होती है। सो आज की जो वीडियो है हर्ष शिकारा भाई के ऊपर है, और ये वीडियो बनानी बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए मैं आज ये अपने विचार और जो भी टोटल एनालिसिस है वो बताता हूँ कि भाई ने इलेक्शन क्यों हारा। हर्ष शिकारा भाई काफ़ी समय से फेसबुक पे वीडियो बनाता था, लाइव आता था, और काफ़ी टाइम हो गया, ये उसका शौक लगा लो, करियर तो उसने कभी नहीं सोचा होगा। होता है कुछ लोगों को, मेरे को भी शौक है वीडियोस बनाने का, और काफ़ी टाइम से मैं भी बना रहा हूँ, तो मैं हर्ष भाई को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। भाई एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और मेरे से तो छोटा ही है एज में। सो ये देखा गया है कि जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल करी होती है वो सोचते हैं कि वो समाज को बदल देंगे, जो कि बहुत ही गलत फहमी होती है, और उसी गलत फहमी का शिकार होकर हर्ष भाई जो है चुनाव हार गया। बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। हर्ष भाई जो है वो गरीब लड़कियों की शादी कराता है लोगों से पैसा इकट्ठा करके। अब बात को ध्यान से सुनना, लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर किसी गरीब की शादी है, हर्ष भाई हमेशा दिखाता है कि इसका छप्पर है, इसकी टीन है, और 24 घंटे का समय है, और आपको आज जितनी मदद हो सकती है करिए, आप इस तरह का मैसेज देता है, जो मैंने कई बार वीडियोस में देखा है। तो मोटी सी बात ये समझ में नहीं आती कि जिनके टीन टप्पर जो भी है, रिश्ता तो उसमें पहले ही हो चुका है, कल तो बारात आ रही है, तो इनका ब्योत तो जो रिश्ता करके जा रहे हो जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ये वो इंसान है जो ये सोचते हैं कि जो लूटा जाए वो लूट लिया जाए, ये गरीब नहीं है, ये जबरदस्ती के गरीब है, निकम्मे है, जो कि सिर्फ खराब नीयत से कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए हासिल करने के उस मकसद से हर्ष को अप्रोच करते हैं, और हर्ष भाई उनकी मदद कर देता है। किस अंदाज में करता है वो सब आप देख ही रहे हैं, कि भाई भी ये सोचा कि मैं सोशल काम कर रहा हूं, लेकिन पब्लिक इसमें भी क्या समझती है, पब्लिक समझती है कि हर्ष ने अपनी जेब से क्या लगाया। मैं भी यही समझता हूं, उसने लोगों का पैसा लिया, नाम अपना करा, तो हर्ष भाई को गलत फहमियां थी कि इस तरह से उसका नाम हो रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि हर्ष ने खुद की तरफ से क्या करा, लोगों का पैसा लिया, नाम अपना कर लिया, इस करके लोग जो है भाई से थोड़ा सा कटे हुए हैं। और कारण बता देता हूं भाई की गलत फहमी का, भाई के करीब 1 मिलियन के करीब फॉलोअर हैं, लेकिन ये 1 मिलियन फॉलोअर्स जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं, इसमें कोई कहीं का भी हो सकता है। चढ़ाने वाले कह देते हैं कमेंट सेक्शन में, हर्ष भाई आप करो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे भाई गोहाना से या सोनीपत से कितने भाई है जो कमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ सूखे सूखे दूर दूर से आपकी पीठ को थपथपा रहे हैं, और आपने जो भी कमाया होगा वो इलेक्शन में सारा खर्च कर दिया होगा, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये सोशल मीडिया पे ना जितने भी लोग हैं ये झूठी हुई हुई करने वाले हैं, मजे लूटने वाले हैं, और नहीं होना कुछ भी। एक और बात आती है, हर्ष भाई हमेशा ये दिखाते हैं कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन भाई साथ साथ आप इतनी गाड़ियां, इतनी अपनी बाइक्स वगैरह दिखाते हो, तो लोग क्या सोचेंगे, जबरदस्ती का गरीब बना हुआ है। तो हर्ष भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत इतने चालाक नहीं हो जितना लोगों को दिखता है, कहीं ना कहीं आप में घोड़ापन है, राजनीति सीखने में आपको टाइम लगेगा, आप एक सच्चे इंसान हो और लोगों को सच्चा इंसान कम पसंद आता है। आपकी कोशिशों को मैं समझ सकता हूँ, आप समाज को बदलना चाहते हो, पर ये भाई इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। आपने अपने विचार रखे कि हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन आप अगर पॉलिटिशियन हो और आप जिस विधानसभा से खड़े हो रहे हो वो तो हिंदू ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, तो आपको उनके फेवर की बात करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस बात से भी कट गए कि आपने नू में जो लड़ाई हुई थी उसमें मुसलमानों का फेवर करा, लोगों ने आपको मुस्लिम बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से आपकी हार हुई है। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जितने भी आपको सोशल मीडिया पे कभी भी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, हु करके ये कर लो वो कर लो, हम साथ हैं, ये कोई साथ नहीं होते भाई। जितने भी आपके साथ रैली में खड़े हुए थे, इनकी वोट पड़नी थी कहीं, पर गोहाना में आपके साथ में हुई हुई करके चले गए। आपका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ है और आपका पैसा भी काफ़ी अच्छा लगा होगा इसमें,
मैं आपको एक चीज के लिए जरूर प्रेज करूंगा, आपने अपने जिस भी अंदाज में कहिए या अपने किसी भी भाव से कहिए, लड़कियों की शादी कराई है, उसमें आपने जो समय दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि समय देना ही सबसे बड़ी चीज है। आजकल समय किसी के पास में नहीं है, लोगों ने आपका सिंपल सा इस्तेमाल करा है, अपने काम निकाले हैं, वोट आपने देख ही ली कितनी आई है आपकी। तो आगे से इन जिनको तुम गरीब बोलते हो, इनके चक्कर में पड़कर अपना समय और पैसा और एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम धंधे में ध्यान दो। राजनीति में आपको बता देता हूँ, वो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी, यही चलते रहेंगे। तीसरा कोई आदमी अगर अरविंद केजरीवाल बनने की सोचेगा तो वो खामखा नुकसान में जाएगा। केजरीवाल के टाइम में समय अलग था, निकल गया। बहुत मुश्किल होता है कि अपने आपको इस्टेब्लिश करना राजनीति में, जिंदगी निकल जाती है। एक जीवन मिला, खुशी से जिए और अपने परिवार को समय दो। बहुत समय आपने जनता को दे दिया अपना, कोई फायदा नहीं मिला। जनता किसी की नहीं है, यह आपने देख लिया। एक और बात, आपने सिर्फ करी गरीबों की मदद, जो कि उस गांव में कुछ ही होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो आपसे खींच खा गया। वो सोचा कि मारा तो इसने कुछ करना नहीं, दूसरी बात इधर उधर के चंदे इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके ये दूसरों की मदद कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है। ये चीज मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं और मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज हैं जो आपके सामने बोलते नहीं है कि भाई हमने क्यों बुरा बनना। मैं आपकी यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप करते हो जो गलत करते हो, आपके अपने भाव है, उस भाव में रह के आप डेफिनेटली अगर कुछ करोगे तो आप रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करना चाहोगे कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स आपको मिले। पर अनफॉर्चुनेटली आपको मिले नहीं, क्योंकि आप जो भी पब्लिक की मदद कर रहे थे सिर्फ इस भाव से कर रहे थे कि मैं तो पब्लिक की मदद कर रहा हूं, अगर क्यों ना मैं नेता बन जाऊं तो कुछ ना कुछ मदद तो आप करोगे ही, इस भाव के साथ थे, लेकिन आप इसमें फेल हो गए। तो आगे अपना समय और एनर्जी इन फालतू के लोगों में खराब करने की जरूरत नहीं है, जो आपको गरीब बन के दिखाते हैं। ये कोई गरीब नहीं है, ये अपनी जिंदगी में खुश है, सेटिस्फाइड है। अगर कोई एक रोटी खा के अपने आप में धापे और समझ रहा है तो भूखा नहीं है भाई, वो खुद ही सोच रहा है कि मैं तो एक ही रोटी में धाप जाऊंगा। तो ये सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन की बात होती है, कौन क्या बनना चाहता है। नहीं तो लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं डबल डबल नौकरी करके अपने बालक पाल रहे हैं। ये निकम्मे लोग हैं जो शादी के एंड टाइम से आपसे बर्तन भांडे पलंग पुलंग लूट लिया, उनका नहीं गया कुछ। तो आप इस चीज का ध्यान रख के आगे अपना समय खराब ना करें। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आशा है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। लाइक करें और अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।